हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट अगर फ्रीज हो चुका है तो उसे आप अनफ्रीज कैसे कर पाओगे। अगर आपके अकाउंट पर व्यूज और लाइक्स नहीं आ रहे हैं तो कैसे आपके अकाउंट पर व्यूज और लाइक्स आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेना, 100% आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज हो जाएगा और आपके अकाउंट पर लाखों लाइक्स और लाखों व्यूज आने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, ऐसी ट्रिक आपको शायद ही YouTube पर किसी ने बताई हो जिसकी जो है ट्रिक वर्क की हो, लेकिन मैं आज जो भी ट्रिक आपको बताने वाला हूं उस ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका अकाउंट यूं बूस्ट कर जाएगा और आपका वीडियो यूं रैंक करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहना, जिससे कि आप जो है कुछ भी मिस करने ना पाए और आपका अकाउंट यूं बूस्ट कर जाए। तो दोस्तों, अब हम आपको लेके चलेंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और स्टेप सब कुछ बताएंगे कैसे आपको क्या करना होगा जिससे कि आपका अकाउंट यू बूस्ट कर जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कर पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अपना बूस्टअप दिखा देता हूँ कि मेरे वीडियोस पर कितना बूस्टअप मिल रहा है। तो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो मेरे वीडियो पर लाइक कितने ज़्यादा आ रहे हैं और मेरे लाइक्स हर कितने समय पर चेंज हो रहे हैं और यहाँ पर फॉलो लाइक बराबर आते जा रहे हैं। तो गाइज, सबसे पहले इस सेटिंग को आपको फॉलो करने के लिए क्या करना होगा, आप अगर किसी का भी वीडियो अपलोड कर रखें अपने अकाउंट पर तो उसे जल्दी से जल्दी डिलीट कर देना। ये सेटिंग का एक जो है तरीका होने वाला है, इस ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ डिलीट करने से ही आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज हो जाएगा। आप जो है ध्यान से सुनते रहना, मैं इसमें कुछ और आपको सेटिंग बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपने किसी और का वीडियो अगर अपलोड कर रखा है उसे डिलीट कर दीजिए। अगर आपका कोई भी वीडियो बहुत ही बेकार क्वालिटी का, बहुत बेकार वीडियो हो तो उसे भी डिलीट कर देना, जो आपका अच्छे क्वालिटी का और अच्छा वीडियो हो वही रखना। फिर इसके बाद में क्या सेटिंग करना होगा वो आप ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। तो दोस्तों, यहां पर आपको ऊपर देख लीजिए 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहां पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको देख लीजिए एक सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहां पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना होगा। यहां पर जब आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में आपको देख लीजिए अकाउंट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहां पर आपको क्लिक कर देना होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद में यहां पर देख लीजिए एक स्विच अकाउंट टाइप का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहां पर क्लिक कर देना होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर देख लीजिए पहले ही पे ही ऑप्शन मिलेगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट, तो यहां पर क्लिक कर दे रहा होगा। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको रेड कलर में भी शो हो रहा होगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट, तो यहां पर भी आपको क्लिक कर देना होगा। यहां पर जब आप क्लिक करते हो तो ये अकाउंट आपका जो है स्विच्ड पहले से था, ये जो है अनस्विच हो जाएगा और ये आपको बैक में ले जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये सब करने के बाद में 24 घंटे तक वेट करना है, फिर 24 घंटे के बाद में एक सेटिंग करनी होगी जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना कि 24 घंटे के बाद ही करनी है। तो दोस्तों, ये करने के बाद में आपको सिंपल से फिर से 3 डॉट पर क्लिक कर देना होगा, वही प्रक्रिया सेम आपको अपनानी है। फिर सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा, सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, फिर से आपको वहीं पर चले जाना होगा। यहाँ पर आपको देख लीजिए शो हो रहा होगा स्विच टू पर्सनल अकाउंट, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कीप प्रीवियस सेटिंग, तो यहां पर आप क्लिक कर देना। यहां पर जब आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ सर्व करेगा, फिर आपके सामने कुछ और ऑप्शन आएंगे। तो गाइस, यहां पर आपके सामने आपकी जीमेल और आपका मोबाइल नंबर शो होगा, तो यहां पर आप मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट कर देना। उसके बाद में यहाँ पर पूछेगा कि आपका कोई पेज है या नहीं फेसबुक पर, अगर है तो उस पर टिक कर दीजिए। तो मैं अपने जो है एक पेज पर टिक कर देना, और टिक करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी कुछ सपोर्टिंग करेगा और उसके बाद में आपको बताएगा कि आपको क्या करना होगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेप फॉलो करने के लिए बोल रहा, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको ऊपर देख लीजिए कट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको सिंपल से क्लिक करके बैक चले जाना होगा, गो टू प्रोफाइल कर देना होगा। फिर इसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग और करनी होगी, फिर उसके बाद में आपको बैक कर देना होगा, आपका अकाउंट जो है अनफ्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देख लीजिए एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहां पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपकी जो भी डीपी लगी हुई है उस डीपी को चेंज करके बहुत ही एचडी क्वालिटी में अपनी एक डीपी सेट करनी होगी, जो कि बहुत ही अच्छी आपको देखने में लगनी चाहिए और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हो, वो यहां पर सेट कर देना। फिर उसके बाद में आपको यहां पर नेम का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहां पर नेम आपका जो भी पड़ा हो उसे चेंज कर देना, उसमें स्लैश लगा देना, या तो उसमें 123 कर देना या नाम ही चेंज कर देना, कुछ भी आप कर सकते हो। और यहां पर आपका यूजर नेम है, इसमें भी आपको चेंज करना होगा, जो भी हो उसे आप चेंज करके कुछ भी कर सकते हो। अगर आप नाम बदलना चाहते हो नाम बदल सकते हो, या तो 123 कर देना इसमें भी, और स्लैश वगैरह कुछ भी डाल देना, मतलब @ वगैरह, मतलब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। चेंज होने के बाद में आपको सिंपल सा ऊपर टिक का ऑप्शन मिलेगा, टिक कर देना और ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। इससे क्या होगा, इंस्टाग्राम के पास जो भी ओवरव्यू जाएगा वो नए तरीके से जाएगा, वो पुराना अकाउंट आपका शो नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रोफेशनल अकाउंट जो है आपने फिर से किया स्विच किया है और आपके जो पुराने वीडियो थे उसमें भी आपने जो बेकार वीडियो थे उन्हें हटा दिया और आपकी अच्छी क्वालिटी के ही वीडियो पड़े हैं, तो नए तरीके से ही शो होना शुरू हो जाएगा। अकाउंट जो है आपका
जो है इंस्टाग्राम वालों के पास। तो जब भी आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपके वीडियो पर अच्छी खासी रीच आने वाली है और आपका जो है अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको शायद ही यूट्यूब पर किसी ने बताई हो, मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, और इस ट्रिक को फॉलो करना आपका 100% अकाउंट अनफ्रीज होने वाला है। तो दोस्तों आपको अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ट्रिक हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। और फेसबुक पर भी फॉलो ना किया हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।